यस आई एम ए करिएटिव पर्सन आई लव टू ड्रॉ पेंसिल स्केचिज एंड करेक्टर्स आउट ऑफ माई इमेजिनेशन यहाँ पर हमने बताया कि हाँ मैं एक करिएटिव इंसान हूँ और मुझे अच्छा लगता है पेंसिल स्केचिंग करनी और अपनी इमेजिनेशन से नए नए करेक्टर बनाने मुझको अच्छा लगता है अपार्ट फ्राम दिस आई एम आल्सो इन टू रिंग शॉर्ट स्टोरीज़ कि इसके अलावा मुझे शॉर्ट स्टोरीज़ लिखना भी बहुत अच्छी लगती हैं आई शो किस माई क्रिएटिवनेस ऑन आइन इंस्टाग्राम अकाउंट वेर आई गेट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर माई फ्रेंड्स एंड रेलेटिवस कि मैं अपनी क्रिएटिवनेस शो करता हूँ मेरा एक अकाउंट है इंस्टाग्राम पर वहाँ पर मैं अपनी पोस्ट डालता हूँ और मुझे काफ़ी प्यार मिलता है बहुत अप्रिसिएशन मिलती है मेरे फ्रेंड्स और रेलेटिव से एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ इज़ इट गुड फॉर चिल्ड्रन टू लर्न आर्ट्स यहाँ पर उन्होंने पूछा कि क्या ये अच्छी बात है कि क्या स्टूडेंट्स को आर्ट्स सीखनी चाहिए एंड द आंसर इज़ विदाउट एनी डाउट इट्स ग्रेट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न आर्ट्स कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों को आर्ट्स सीखनी चाहिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स लाइक पेंटिंग विजुअल आर्ट्स ड्राॅइंग फोटोग्राफी एंड मोर मेक्स चिल्ड्रन स्किलफुल कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स फॉर्म है चाहे वो ड्राॅइंग होगी फोटोग्राफी होगी पेंटिंग होगी वो क्या करते हैं बच्चों को और ज़्यादा स्किलफुल बनाती है दीज आर्ट एक्टिविटीज़ ब्रिंग द क्रिएटिविटी आउट ऑफ दैम ये जौन सी आर्ट एक्टिविटीज़ होती है वो क्या करते हैं उनकी क्रिएटिवनेस को निखारती है और उनको बाहर निकालती है जिससे उनको पता लगता है कि उनमें कौन कौन सी क्रिएटिविटी है मोर ओवर इट्स अ ग्रेट वे टू रिलैक्स एज वेल कि इसके अलावा ये भी है कि ये एक ग्रेट तरीका है बहुत अच्छा तरीका रिलैक्स करने का उनको अपनी स्टडी से थोड़ी रिलैक्सेशन भी मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट ऑफ जॉब्स रिक्वायर पीपल टू बी क्रिएटिव किस जॉब्स में लोगों को क्रिएटिव होना पड़ता है इन माई परस्पेक्टिव ऑलमोस्ट एवरी सिंगल प्रोफेशन रिक्वायर्स इंप्लॉयज़ टू भी क्रिएटिव कि मुझे लगता है कि हर एक प्रोफेशन में रिक्वायरमेंट होती है कि इंप्लॉइज़ को क्रिएटिव होना चाहिए फॉर इंस्टेंस पीपल फ्राम सेल्स और मार्किटिंग फील्ड दे ऑलवेज कम अप विद डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ टू प्रमोट देर प्रोडक्ट कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे लोग सेल्स और मार्किटिंग फील्ड में होते हैं वो क्या करते हैं हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं क्रिएटिव आइडिया से आते हैं अपना प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं वो इवन बिग ब्रांड्स मेक क्रिएटिव टी वी एड्स टू अट्रैक्ट मासिस कि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी क्या कहते हैं डिफरेंट और क्रिएटिव टी वी एड्स बनाते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके जहाँ लोगों को टू बी ऑनस्ट इफ़ पीपल आर नॉट क्रिएटिव दैन देर जॉब माइट बिकम डल एंड बोरिंग कि मैं अगर सच सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि अगर लोगों की जॉब क्रिएटिव नहीं होगी तो वो अपने काम से बोर हो जाएंगे बहुत जल्दी एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ डू यू थिंक लीडर्स नीड टू हैव क्रिएटिव अबिलिटी यहाँ पर उन्होंने पूछा कि क्या जो लीडर्स होते हैं उनमें क्रिएटिव एबिलिटी होनी चाहिए या नहीं एंड द आंसर इज़ क्रिएटिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इफेक्टिव लीडर इट मीनस कि जो क्रिएटिविटी uh, है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है एट्रीब्यूट मीन्स गुण कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है जो एक अच्छे लीडर में होना चाहिए एंड फोस्टर्स आर सक्सेसफुल एंड हेल्दी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट फोस्टर का मीनस होता है इनक्रेज क्यों इनकरेज करता है एक अच्छा वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को क्रिएटिविटी ओपन अप अपॉर्चुनिटीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अचीविंग गोल्स एंड इंस्पायरिंग टीम्स टू भी क्रिएटिव कि जो क्रिएटिविटी है वो नए दरवाजे खोलती है जिससे कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो टीम गोल होते हैं उसको अचीव कर सकते हैं और टीम को इंस्पायर कर सकते हैं कि हम कैसे क्रिएटिव रहें और अच्छा काम करें सो दैट्स एट गाइज़ ये थे मारे फॉलोअप्स रिगार्डिंग द क्यू कार्ड डिस्क्राइब अ परसन हूज वर्क यू एडमायर इसका सैम्पल आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको भी ज़रूर चेक करना सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गायज प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉर गेट टू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल टिल दैन टेक केयर एंड गुड लक फॉर द प्रेपरेशन गायज एंड थैंक यू